हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपके इस चैनल पर हमने एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और न्यूज़ भी अपलोड करते रहते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। इसलिए आप ही का चैनल है, आप इतना प्यार दे रहे हैं और थोड़ा प्यार देकर इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आज हम सॉल्व करेंगे तेलुगु 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज वर्षालु के कुछ इंपॉर्टेंट आंसर सॉल्व करेंगे। ये वर्षालु लेसन है आपका, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर वानलु पड़तुंटे, ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो भी क्या दूसरे में कहीं पर भी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। वानलु पड़कुंटे एम जरूरतुंदी, बारिश अगर नहीं हुई तो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, बारिश नहीं हुई तो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे हम, फर्स्ट इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे वानलु पड़कुंटे, वानलु पड़कुंटे, बारिश नहीं हुई तो यहां पर क्या लिखेंगे, जीवालकु जानदार चीजों को, जीवालकु चाला बहुत, इब्बंदी परेशानी, चाला इब्बंदी क्या लिखेंगे, चाला इब्बंदी कलुगुनु बोल के लिखेंगे, कलुगुनु हो सकती है। प्रतिजीवी यहां पर लिखेंगे हम, प्रति जीवी जीविंचटानिकी या डानिकी भी आप लिख सकते हैं, जीविंचटानिकी नीलू चाला बहुत ज्यादा अवसरम, बहुत ज्यादा जरूरत है, చాలా అవసరం. వానలు బారిష్ పడకుంటే అగర్ నహీ హుయింగే, వానలు పడకుంటే త్రాగడానికి పీనేకెలియ త్రాగడానికి డానికి నీళ్ళు తినడానికి तिंडी, अगर बारिश नहीं हुई तो पीने के लिए पानी नहीं रहता, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता, तिंडी दोरकदू नहीं मिलता है, ये आप लिख लिए। और उसके बाद क्या क्या करेंगे हम लोग, नीड़ लेकुंडा बारिश नहीं रहे जैसा, नीड़ लेकुंडा प्रपंचानी मनम ऊहिंचलेम, बिना पानी के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं इस वर्ल्ड। चलिए अब देखिए एक बार रीडिंग करेंगे, वानलु पड़कुंटे जीवालकु चाला इब्बंदी कलुगुनु, प्रति जीवी जीविंचटानिकी नीलू चाला अवसरम, వానలు పడకుంటే త్రాగడానికి నీళ్లు తినడానికి తిండి దొరకదు, నీళ్లు లేకుండా ప్రపంచాన్ని మనం ఊహించలేం, ఈ ఆన్సర్ ఇస్తే। अब उसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है। देखिए वाना पड़तुंटे बारिश अगर हो रही है तो आपको क्या करने के लिए मन कहता है, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा आंसर। चलिए इसका आंसर हम लिखेंगे, वाना पड़तुंटे बहुत अच्छा आंसर है इसका, यहां पर लिखेंगे वानलु बारिश पड़तुंटे बारिश हो रही है तो कौन से हम लिख रहे हैं, वानलु पड़तुंटे क्या मन करता है आपको, नीड़ ललो तड़वालनी पिस्तुंदी पहले पानी में भीगने को मन करता है, नीड़ ललो बारिश में आड़ालनी पिस्तुंदी बारिश में खेलने को मन कहता है। उसके बाद शिप बनाकर
वदलालनी पिस्तुंदी, इस तरह आप लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वानलु पड़तुंटे नीलो तड़वालनी पिस्तुंदी, बारिश हो रही है तो भीगने को मन कहता है। नीलो आड़ानी पिस्तुंदी, बारिश में खेलने को मन कहता है। पड़वलु चेसी नीलो वदलालनी पिस्तुंदी, शिप बनाकर पानी के अंदर छोड़ने को मन करता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पिक आवर आंसर। वान पड़ेप्पुडु मी इंट्लो इंटी बयट विधुलु एला उंटाई, बारिश जब हो रही है तो आपके घर के अंदर और घर के बाहर कैसे रहता है पहचानना है, लिखना है आपको। जैसे हमको मालूम है बारिश हुए वक्त क्या होता, हमारे घर के अंदर कभी कभी पानी आ जाता है, कभी स्ट्रीट पूरे बारिश से भर जाते हैं। सेकंड आंसर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर देखिए, वान पड़ी नप्पुडु, जब बारिश हो रही है तब, पड़ी नप्पुडु विधुलन्नी स्ट्रीट पूरे विधुलन्नी जलमयंगा, जलमयंगा मतलब बारिश से पूरे पानी पानी उंटाई रहते हैं, ये हो गया। उसके बाद ई रोजुलो, आजकल के दिनों में, ई रोजुलो पेद्दा पेद्दा बड़े बड़े पेद्दा पेद्दा पट्टणालो शहरों में, पट्टणालो शहरों में नीलू पानी वेल्ले रास्ते में, नेल्ले नीलू वेल्ले पट्टणाल नीलू वेल्ले मार्गालो रास्ते में, मार्गालो नालालपै नालों पर इल्लू पानी निर्मिस्तुन्नारु। क्या कर रहे हैं वो लोग, घर नालों पे जहाँ पर पानी जा रहा हो रास्तों पे घर बना रहे हैं। उसके बाद दानि वलन, इसकी वजह से, अप्पुड़ अप्पुड़ कभी कभी, अप्पुड़ अप्पुड़ कभी कभी वाना कुरिसी नप्पुड़ बारिश हुए वक्त नीलू बारे पानी इल्लल्लो घर में, इल्लल्लो कूड़ा प्रवहिस्तुंदी या प्रवेशिस्तुंदी लिखेंगे, प्रवेशिस्तुंदी, ये आपका आंसर है। देखिए, वाना पड़ीनप्पुडु विधुलन्नी जलमयंगा उंटाई, जब बारिश हो रही है तो पूरे स्ट्रीट कैसे रस्ते पूरे कैसे रहते हैं पानी से भर जाते हैं। ई रोजुल्लो आजकल के दिनों में पेद्द पेद्द पट्टणालो बड़े बड़े शहरों में नीलू वेल्ले मार्गालो पानी जाने के रास्ते में नालों पर इल्लू निर्मिस्तुन्नारु घना बना रहे हैं। दानि वलन, इसकी वजह से, अप्पुडप्पुडु कभी कभी वान कुरिसिनप्पुडु बारिश हुए वक्त नीलू इल्लल्लो कूडा प्रवेशिस्ताई, बारिश का पानी घरों के अंदर भी जाता है। इस तरह आप इस आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।